हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या बीकानेरी चटकारा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे नमक पारे। इनको आप किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं, डेली रूटीन में भी बना के आप इनको रख सकते हैं। 10-15 दिन तक ये ख़राब नहीं होते। नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। ग्राम्स में नापेंगे तो 250 ग्राम है। एक चम्मच नमक, आधा चम्मच के करीब अजवाइन है, इसको हाथ से क्रश करके और फिर डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। वन फोर्थ कप तेल, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल का रेशो आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि इसी से ही हमारे नमक पारे जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। 2 कप मैदे में मैंने यहाँ पे 1/4 कप तेल डाला है। देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह हो गया है। दिखने में ब्रेड क्रम जैसा लग रहा है, और अगर आप इसको ऐसे बांधेंगे तो ये बिल्कुल बन जाएगा। इसको हल्के गुनगुने पानी से हम गून लेंगे। बहुत थोड़ा सा ही पानी लगा है इसमें, क्योंकि हमने इसमें मोयन डाल रखा है तो ज़्यादा पानी नहीं लगता है। और बिल्कुल सख्त आटा गूंदना है। अगर आटा सॉफ्ट रहा तो नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आटा बिल्कुल सख्त हो। इससे आपको बेलने में भी आसानी रहेगी और तलने के बाद उसका जो कुरकुरापन है वो भी अच्छे से मेंटेन रहेगा। इसमें मैं हल्का सा चिकना हाथ लगा के इसको 15-20 मिनट तक रेस्ट पे रख दूंगी। 15 मिनट हो गए, डो ने अच्छे से रेस्ट कर लिया, बहुत अच्छे से सेट भी हो गया है। इसको एक बार और अच्छे से नीड करके और फिर हम इसके पेड़े बना लेते हैं। एक पेड़ा लेंगे हम, हल्का सा तेल लगा लेंगे पेड़े पर भी और चकले पर भी। बेलन को भी ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम सूखा आटा नहीं लेंगे डस्टिंग के लिए। ये बिल्कुल टाइट है तो हल्का सा तेल लगा के इसको बेल लेंगे। नमक पारे बहुत ज़्यादा पतले नहीं करेंगे हम, ये देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पतले कर लेंगे तो वो निमकी बन जाएगी। इसको आप जो चाहे शेप में काट सकते हैं, मैं इनको रेक्टेंगल शेप में काट रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल स्क्वायर काट सकते हैं, ट्रायंगल काट सकते हैं। एक्चुअली ये रेक्टेंगल भी नहीं है, ये डायमंड शेप है। मैंने इनको डायमंड शेप में काटा है। इनको आप चाकू या फॉक से छेद कर लें, नहीं तो ये सारे फूल जाएंगे। नमक पारे फूले हुए अच्छे नहीं लगते।
सारे नमक पारे बना के हमने काट लिए, इनको एक पे एक ही रख दिए हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, जैसे ही तेल में डालेंगे ये सारे खुल जाएंगे। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, एक बार देख लेते हैं हम। ये देखिए एकदम सही है, बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, ये धीरे धीरे ऊपर आएगा, इसका मतलब हमारा तेल बिल्कुल सही गरम है। इन सबको हम मीडियम आंच पे ही बनाएंगे। इसको निकाल लेते हैं एक बार। एक बार में बहुत ज़्यादा नमक पारे नहीं डालेंगे हम, क्योंकि जब ये सिकेंगे और खुलेंगे तो इनको काफ़ी स्पेस चाहिएगी। इनको हम लगातार चलाते हुए बनाएंगे। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो ये एक साइड से सिक जाएंगे और दूसरी साइड से पलटने पे भी ढंग से नहीं सिकेंगे, इसलिए आप इनको बराबर चलाते रहें, तेल इनके ऊपर नीचे होता रहेगा तो इवनली सिक जाएंगे। जैसे ही नमक पारे तेल में ऊपर तैरने लगे, आप गैस को मीडियम से थोड़ा सा तेज कर दें, ज़्यादा तेज़ ना रखें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से ज़्यादा लाल हो जाएंगे। अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए। इनको आप नमक पारे के कलर के जितना डार्क ना करें, थोड़ा सा पहले निकाल लें, क्योंकि बाहर निकालने के बाद भी इनका कलर और डार्क हो जाता है। इसी तरह से हम सारे नमक पारे जो हैं वो तल लेंगे। सारे नमक पारे फ्राई हो गए हमारे। देखिए बहुत ही अच्छे और खस्ता नमक पारे बने, ये ठंडे हो गए। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए आप इसको किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन। बाज़ार से हम नमकीन लेके आते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं होती है, बहुत अच्छे तेल में नहीं निकाली भी होती है। हमारे घर का तेल होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, बाज़ार में वही तेल रिपीट होता रहता है, इसके कारण वो ज़्यादा हेल्दी नहीं रहती है। आप इनको बना के और ठंडा करके किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद कर लें और 10-15 दिन तक आराम से इसको खा सकते हैं। कहीं सफ़र में जाना हो तो वहाँ भी ले जा सकते हैं इसको। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।